ビクトリアかな。अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहसिन रसूल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जहां रहें खुश रहें। तो जैसा कि हम स्टोरी लाते हैं, आज की स्टोरी हमारी सोलर के रिलेटेड है। तो बिजली का रेट दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है। तो जैसा कि सोलर का सिस्टम है, सोलर पैनल्स दिन ब दिन कम रेट पर होते जा रहे हैं, तो आप आएँ सोलर पे चक्की लगे। जी हाँ दोस्तों, ये है पैनल लगाए हुए हैं इन्होंने, बहुत ही अच्छे तरीके से ये पैनल लगाए हुए हैं। और ये जो पैनल हैं, ये हैं 440 वाट के पैनल्स, और वो भी इन्फिनिक्स कंपनी के हैं। तो बहुत अच्छी तरतीब के साथ लगाए हुए हैं, अगर बारिश हो आंधी हो इसका कोई मसला नहीं है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने ये पैनल लगाए हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो बेहतर है, आपकी जो पॉलिसी होनी चाहिए वो मैनेज आप कैसे कर रहे हैं। सोलर पैनल को लगा लेना या चक्की लगा लेना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसको आगे लेकर कंटिन्यू करना और उसको मैनेज करना, ये सबसे बड़ी बात है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा मैनेज किया हुआ है। और ये साथ साथ ये पैनल्स हैं, इसके साथ दूसरी साइड पर भी हैं, वो ऊपर लगाए हुए हैं। तो अभी आपको उस साइड पे भी ले जाते हैं और आपको वो भी विज़िट करवाते हैं, लेकिन वो भी उन्होंने कमाल लगाए हुए हैं। वो ऊपर छत के मज़ीद ऊपर हैं, ये एक फ्लोर है उसके ऊपर दूसरा फ्लोर है, उसके ऊपर उन्होंने ये फिक्स किया हुआ है, लेकिन वो भी कमाल है। तो जी हाँ नाज़रीन, ये है, ये ऊपर आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये इन्होंने स्टैंड लगाए हुए हैं, छत के ऊपर हैं, तो बहुत ही अच्छा है। साथ साथ आपके साथ शेयर करता चलूं, आज ये जो चक्की है जो इधर आके मैंने पाया है, ये देखें, ये बुज़ुर्ग आए हुए हैं इधर, हुक्का कश लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये खूबसूरती है देहात की, असल ये खूबसूरती है। तो इन्होंने जो चक्की लगाई हुई है, ये है 4550 की चक्की है, 15 का इन्वर्टर है और साथ साथ 12 की पुल्ली लगाई हुई है इन्होंने, तो बहुत ही अच्छा है। जो साथ साथ इन्होंने पीटर भी लगाया हुआ है, अगर खुदा ना खास्ता जो सूरत हाल होती है, मौसम की सूरत हाल होती है या वैसे कोई प्रॉब्लम बन जाता है, तो इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरी साइड पे इन्होंने पीटर लगाया हुआ है। तो ये है 15 का इन्वर्टर है, तो बहुत ही अच्छा रन कर रही है। जब इनसे बात की है, ये 15 की इन्होंने ये मोटर लगाई हुई है, तो 4550 की चक्की है। तो जब उनसे बात की है तो उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात आप नाज़रीन के माइंड में ये होनी चाहिए कि ये जो चक्कियाँ हैं, ये तकरीबन आधा किलो ये आटा जो है इसको ख़त्म कर देती हैं, समझ लें साड़ देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। तो ये है, इनको भी थोड़ा सा मसला बनता है, लेकिन वो मैनेज कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो चक्की है ये थोड़ा सा ओवरऑल चक्कियाँ आटा जला देती हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आप दोस्तों को बहस नहीं करनी चाहिए। तो आज की हमारी ये वीडियो थी जनाब, ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इधर देहात का ये मंज़र है, तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यही माहौल होता है, लोग एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं, गपशप लगाते हैं। तो आज बहुत ही अच्छा लगा है, तो ये मनाज़र ख़ास कर देख के बहुत अच्छा लगा है। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो आपको इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। तो आपके लिए नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम।